गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये साइंस में आपका टेस्ट पेपर, मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 10 मार्क्स का टेस्ट था, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर इस वीडियो में अवेलेबल है। सो आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना मार्क्स गेन किया है। तो पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का कॉपी चेक करिए कि उन्होंने कितना मार्क्स गेन किया है, कितना उन्हें और पढ़ने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, क्या है टेक द करेक्ट आंसर एंड दिस क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पी प्लांट ग्रोज फ्रॉम, आंसर इज ऑप्शन बी सीड। 3 ऑप्शन अवेलेबल थे जिसमें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी डिस्पर्स बाय विंड, आंसर इज ऑप्शन बी कोकोनट। अगर आपने कोकोनट लिखा है तो यू आर राइट, यू आर करेक्ट और आपने 1 मार्क गेन किए। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स गिव अस डैश फॉर ब्रीथिंग, सो आंसर इज ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। सेकेंड, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ रैपिंग क्रॉप्स, आंसर इज हार्वेस्टिंग। ये ऑब्जेक्टिव थे। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज मैच द फॉलोविंग। सो दिस क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हाफ मार्क्स ईच क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज रबी क्रॉप्स एंड यू हैव टू मैच इट विथ विंटर। मैंने इसमें साइड में आंसर लिख दिया है, आप मैच भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो नंबरिंग भी दे सकते हो। ओके, सेकेंड इज टी प्लांटेशन, सो यू कैन मैच इट विथ स्टेप फार्मिंग। मैंने सब पढ़ाया हुआ, आपको रिविजन भी कराया है, होप आप सारे बच्चे 10 out of 10 लाओगे। रोज प्लांट, मैच इट विथ स्टेम कटिंग और नंबरिंग इट विथ स्टेम कटिंग। बेबी प्लांट, सिडलिंग। ओके, नाउ कम टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर दिस क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का था, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। सो क्वेश्चन वाज व्हाट इज जर्मिनेशन, सो आंसर इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अगर आपने ये लिखा है तो आप 2 मार्क्स और गेन करते हो। जिन बच्चों का इनकरेक्ट हो रहा है उन्हें भी डिसअपॉइंटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर से प्रैक्टिस करते जाइए, रिमेंबर करिए और स्टडी करिए ताकि और अच्छा मार्क्स ला सके। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दूसरा द क्वेश्चन आपका था व्हाट इज एग्रीकल्चर, राइट द स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। सो द आंसर इज The process of growing and harvesting crops is called agriculture. अगर आपने ये लिखा है तो सही है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन था, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, फर्स्ट द फील्ड इज प्लग एंड सॉइल प्रिपेयर, सेकेंड मैन्यूर इज एडेड, थर्ड सीड्स आर सोन, फोर्थ द फील्ड इज इरिगेटेड और वाटर प्रोवाइडेड टू द क्रॉप्स, फिफ्थ pesticides are sprayed over the crops, 6th the ripe crops are harvested, 7th stories of the harvested crops. Agar aapne ye likha hai then you are right and the answer is correct. Aur aap 2 marks aur gain kar dete ho, total 4 marks aapne aur gain kar liya. Acche se maine padhaya tha to aap acche se answer bhi dena hai aapko, but good handwriting is compulsory. तो गुड हैंड राइटिंग में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका था कि यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। ओके, सो बेबी प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये सीड का स्ट्रक्चर है जिसमें सब कुछ है, बेबी प्लांट, सीड कोट, कॉटिलेडन्स। ओके, सो आपने अगर ये इस तरीके से ड्रॉ किया है तो आप मार्क्स गेन करते हो। और इस तरीके से आप चेक करो कि कितना सही हुआ आपका, कितना गलत हुआ। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू चेक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।